कालका शहर में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत ब्रांड गेज कॉलोनी में की गई। इस नशा मुक्ति मुहिम के संस्थापक सनी कालका ने बताया कि इस नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने युवा भाइयों बहनों व माता पिता समान बुजुर्गों एवं बच्चों को नशे के खिलाफ जागृत करना है और कालका में नशे का कारोबार कर रहे उन पर लगाम लगाकर अपनी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होने से बचाना है। हमारा नशा मुक्ति कालका अभियान चलाने की जो मुहिम होने चलाई है, ये हमने इसलिए चलाई है कि आज देखो आपको पता है कि कालका में सबसे ज़्यादा नशा हो चुका है और ये नशा इस कदर फैल गया है कि इसके चलते हुए चोरी, डकैती, लूटपाट और कई ऐसे अपराध हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे 18 साल के बच्चे लगा लो या लड़कियाँ बहनें बहुत नशे कर रही है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे घर के पास 50 घर हैं, अगर उसमें से कोई नशा बेच रहा है तो हम 49 पर बंदे उसको इग्नोर कर देते हैं घर कि छोड़ो परे बेच रहा है, बेचने दो, हमें क्या लेन देना है, हमें कोई मतलब नहीं है इनसे। तो ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है समझाना लोगों को कि आप उस नशे वाले के खिलाफ खड़े, अगर वो नशा बेच रहा है या करता है तो उसके खिलाफ खड़े कार्रवाई करे। अगर हम ये सोच बनाते हैं तो 49 घर अगर उसके खिलाफ करते हैं तो वो 50वां घर भी नशा बेचना बंद कर देगा। और इसी तरह अगर हमारा इस मुहिम का सबसे बड़ा ये रहेगा उद्देश्य कि हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलेजों में जहां हमारे को परमिशन मिल सके वहां जाएंगे और अपने भाइयों को, यूथ को जगाएंगे कि आप इस नशे के खिलाफ खड़ो अपनी कॉलोनियों में, अपने गाँव के पास, अपने शहर में। ये नशा नहीं बिकना चाहिए, तभी ख़त्म होगा। सरकार ने भी इसके लिए, पुलिस प्रशासन ने बहुत कदम उठाए हैं, मगर वो कदम तभी सफल होंगे जब हम उनका साथ देंगे। और हर बंदा घर से निकलना चाहिए, घर बाहर पुलिस स्टेशन की तरफ जाना चाहिए, ये नशा बेच रहा है। ये नहीं है कि कागजी कार्रवाई करके चार बंदे साइन करा के ले गए कि हमने 100 बंदों ने साइन कर दिए जी SHO साहब ये नशा बेच रहा है। नहीं, अगर आप साइन कर सकते हो तो साइन करने के उससे कोई कुछ नहीं बनेगा, आपको खुद अपने घर से निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, SHO साहब से दरखास्त करनी पड़ेगी कि SHO साहब हमारा साथ दो, ये नशा ख़त्म कराओ। वही यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी मुहिम, हम इसको बहुत बड़ी मुहिम बनाएंगे।